भगवान शिव और शक्ति के मिलन पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर धार्मिक नगरी ब्यावर में आयोजित भव्य शिव कथा का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। गुजरात से आए विख्यात कथावाचक गिरी बापू ने श्री शिव महापुराण कथा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में एक बार जो भक्त शिव महापुराण कथा का गायन श्रवण करते हुए उनका जीवन सफल और पापों से मुक्त हो जाता है। हर सनातनी को धर्म ग्रंथों का अध्ययन वाचन व श्रवण करना चाहिए। कथा प्रारंभ होने से पहले हरिद्वार के संत महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि के सानिध्य में मंगल कलश व शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह विशाल शोभा यात्रा मेवाड़ी गेट बाहर स्थित नागा जी की बगीचे से प्रारंभ हुई। यात्रा में 300 मंगल कलश सिर पर धारण किए महिलाएं और पवित्र पोथी लेकर पुरुष भजन गाते हुए चल रहे थे। देश भर से आए संत साध्वी रथ पर सवार थे। सबसे आगे चार घोड़ों पर सवार बालिकाओं ने हाथों में ध्वज थाम रखे थे। गाजे बाजे के बीच सैकड़ों श्रद्धालु झूम रहे थे। शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से गुजरते हुए कथा स्थल आशापुरा माता मंदिर पहुंचे। मार्ग में विभिन्न समाज और संस्थाओं के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में फुलवंती प्रजापति, पूजा शर्मा, ममता गुप्ता, सावित्री देवड़ा, लता शर्मा, राजेश्वरी यादव, तारा सोनी, संतोष प्रजापति, अंजू शर्मा, जमुना, शकुंतला, रेखा, बबीता, कमलेश, चंद्रकांता, ज्योति, प्रिया, ललिता समेत कई महिलाएं शामिल हुई। आशापुरा माता मंदिर प्रांगण में युवा समिति अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापति, मंत्री राजेश शर्मा, ब्रह्मानंद धाम अध्यक्ष गणपत सर्राफ, कार्यक्रम संयोजक मनीष रांका, रामकिशोर चौहान, राजेश प्रजापति ने व्यासपीठ का पूजन कर संतों का स्वागत किया। हरिद्वार के संत महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि, भीलवाड़ा के स्वामी हंसराम महाराज, जोधपुर के संत रमैया राम महाराज, बनारस के मानस प्रवक्ता पंडित छविनाथ शास्त्री, ब्यावर के संत केवल राम राम स्नेही ने आशीर्वचन प्रदान किए। मंच संचालन सुमित सारस्वत ने किया। कार्यक्रम में राजेंद्र ओस्तवाल, दिनेश शर्मा, डालचंद शर्मा, वासुदेव भाटी, सुरेश लोढ़ा, सुरेश वैष्णव, महावीर नटराज, अरुण कुमावत, दीपक प्रजापति, अरुण प्रजापति, प्रमोद जैन, मनिक मोदी, एमके गुप्ता, मोहनलाल बजाज, मदन मोहन मोदी, विजय तंवर समेत सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। प्रथम दिवस की कथा में संत महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि, भीलवाड़ा के स्वामी हंसराम महाराज, हरिद्वार के महंत गंगादास महाराज, जोधपुर के संत रमैया राम महाराज, बनारस के मानस प्रवक्ता पंडित छविनाथ शास्त्री, वृंदावन के साधी मानस अकुरी, हरियाणा के महंत सर्वज्ञ मुनि, रामपुर यूपी के महंत अद्वैत मुनि, महंत केशव मुनि, गुजरात के महंत जमुना दास, हरिद्वार पतंजलि योगपीठ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्यावर के संत केवल राम राम स्नेही, महंत फतेहगिरी, महंत द्वारका गिरी, महंत राजेश गिरी, महंत रामेश्वर पुरी, स्वामी कृष्णानंद महाराज, बाबा श्रवण गिरी समेत कई संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। कथा कहने वाले को एक पुण्य मिलता है। फिर शंकराचार्य महाराज की बात बहुत अच्छी लगी। कथा कहता भी हूँ और सुनता भी हूँ, फिर मुझे तीन पुण्य मिलता है। समझ होनी चाहिए, सुनना होनी चाहिए। उसने तो कहा है कि कोई हमारा संत, हमारा साधु, वैरागी, तपस्वी, महात्मा हिमालय पहाड़ में बैठकर 12 साल कठिन तप करे। सेंट जेवियर इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर में CBSE पाठ्यक्रम द्वारा अध्यापन, स्पोकन इंग्लिश एवं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर, फोनेटिक माध्यम से अध्यापन कराने का एकमात्र स्कूल, विशेष परिवर्तित भवन, प्ले ग्रुप व नर्सरी के लिए आधुनिक सुविधा से परिपूर्ण कमरे एवं स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन, वाटर कूलर एवं एक्वागार्ड की सुविधा, स्मॉल जू। गत वर्ष से कक्षा 11वीं में साइंस मैथ्स, साइंस बायो व कॉमर्स संकाय प्रारंभ, अन्य गतिविधियां, एक्सटेम्पोर, वाद विवाद, अनिवार्य कंप्यूटर शिक्षा, खेलकूद, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, जिम्नास्टिक, योगा। अपने बच्चों के चहुमुखी विकास एवं सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क करें 9828050047 या 8278670248। सेंट जेवियर्स इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्यावर, किशनगंज बोरा पेट्रोल पंप के सामने।